2018 में MNA था नून लीग का, अब भी इंशाल्लाह ताला नून लीग MNA MPA दोनों सीटें इंशाल्लाह विन करेगी। मेरा अड़ला मसला थी 6.5 लाख रुपया तकरीबन गया और मैं ठीक हुआ। जेल में वजीर आजम बनेंगे, जेल में। खान साहब ये कह रहे हैं कि आप 3.5 साल हुकूमत में रहे, इस हल्के में काम नहीं कराया। ये लगाया उसने, ये क्या है, ये दरख्त लगवाया आपने? इद्दत में निकाह कर लिया। हम मुस्लिम लीग के शुरू से लेकर आज दिन तक है, लेकिन हमें लोगों से जूतियां तो ना मरवाए। अपनी लीडरशिप की जाती मफादात और उनकी अय्याशियों को जस्टिफाई कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई रोल है? अल्हम्दुलिल्लाह है, आने वाला वक्त है, आप देखिएगा। नून लीग अगर पैसा किसी चोर को दे देगी तो हम क्या कहेंगे, नून लीग ने काम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान बख्श और रोड टू इलेक्शन में आज हम मौजूद हैं कौमी असेंबली के हल्का NA 127 में। 2024 की नई हल्का बंदियों के मुताबिक इस हल्के में ग्रीन टाउन, टाउनशिप, वाबडा टाउन और शहर के चंद देहात हल्के का हिस्सा होंगे। 2018 के इलेक्शन में इसको NA 133 के नाम से जाना जाता था, जहां से मुस्लिम लीग नून के परवेज मलिक 12,000 वोटों की बढ़तरी से तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी को शिकस्त देकर कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हुए थे। बाद 2019 में उनकी वफात के बाद मुस्लिम लीग नून ने एक दफ़ा फिर इस हलके से कामयाबी हासिल की और उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज मलिक रुकन कौमी असेंबली मुंतखब हुई। 2024 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में इस हलके की आवाम किस उम्मीदवार से तवक्कुआत रखती हैं और माजी में किए गए वादों और दावों पर किस हद तक अमल हुआ, चलते हैं और इलाके के लोगों से बात करते हैं। 2024 के आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, सियासी जमातें उम्मीदवार फाइनल कर रही हैं, तो वोटर और सपोर्टर हलकों में मोबिलाइजेशन शुरू किए हुए हैं। हम NA 127, जिसका पुराना NA 133 नंबर था, यहां मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून इस हलके से फाते रही, अब लोग क्या कह रहे हैं और नून लीग और दीगर जमातों के वोटर सपोर्टर क्या कहते हैं, उनसे बात करेंगे। अब की बार किसको इस हलके में से आप जीतता देखते हैं और जो 2018 में जीते थे उन्होंने कितना काम किया इस इलाके में? जो 2018 में MNA था नून लीग का, बहुत काम कराए हैं, अब भी इंशाल्लाह ताला नून लीग MNA MPA दोनों सीटें इंशाल्लाह विन करेगी नून लीग। क्या क्या काम कराए इलाके में? सड़कें, सीवरेज, जो जो हमारे अवाम के मसाइल थे सब हल करवाए हैं। आप बताएं जी, 2018 के इलेक्शन में आपने किसको वोट दिया था और कैसे देखते हैं इलाके की कारकर्दगी कैसी रही मुंतखब नुमाइंदों की? जी, 2018 के इलेक्शन में मैंने अपना वोट तहरीक लबैक को दिया था और अभी भी वोट अपना तहरीक लबैक को देंगे। 2018 के इलेक्शन के बाद जो नून लीग के MNS थे उन्होंने एक एक सड़क को तीन तीन दफ़ा बनवाया। पहले उन्होंने सड़क पे एक ही सड़क को तीन तीन दफ़ा, पहले उन्होंने सड़क उखाड़ी है, सड़क बनाई है, फिर उन्होंने उसमें सैवरेज डाला, उस पर फिर उखाड़ के कुछ, यानी रवायती तरीके से काम किया। काम कराए कि तीन तीन दफ़ा सड़कें टूटती ही गई दोबारा। नहीं, वो कह रहे हैं टूटती नहीं गई, वो कह रहे हैं तोड़ते गए। कभी सड़क बनाई तोड़ के, जो रवायती तरीका होता है, फिर सीवरेज डाल दिया। इधर कोई सड़क नहीं टूटी थी, इधर जितनी भी सड़कें बनी वो आज से तकरीबन कोई 10-15 साल पहले की बनी हुई। नहीं, लेकिन अगर आपने 3 साल में एक एक सड़क जैसे कह रहे हैं कि तीन तीन दफा बनाई, तो इसका मतलब है नहीं, 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 नहीं। अभी इस टाइम इसी टाइम में आप मेरे साथ चले, मैं आपको रोड दिखा सकता हूँ। मेरे घर के बाहर का रोड है, मेरे घर के बाहर का बोर्ड है, इसी हल्के के अंदर है, काम हुआ है। पैसा क्योंकि किसी की जेब से नहीं जाता, पैसा मेरी जेब से जाता है। नून लीग अगर पैसा किसी चोर को दे देगी तो हम क्या कहेंगे, नून लीग ने काम कर दिया, गलत कर दिया। नून लीग वालों ने ट्यूबवेल भी लगवाए हैं, शास्ता परवेज मलिक ने, यहाँ पे हमारे इलाके में ट्यूबवेल नहीं थे। एक चीज देखें, वो कह रहे हैं कि जो रवायती तरीका होता है पाकिस्तान में सियासतदानों का, अगर सड़क बन गई, पहले प्लानिंग कोई नहीं है, जब सड़क तैयार हुई तो उसके बाद खुदाई करके सेवरेज शुरू कर दिया, फिर सड़क बन गई, फिर उसी सड़क पे दोबारा कोई ऐसे हुआ है। सर, मैं आपको अभी हार्डली आप बताएंगे कैसे ऐसे हुआ है। यहाँ से सिर्फ 100 मीटर के डिस्टेंस पे एक मस्जिद मौजूद है, मैं बिहारी चौक का तस्करा कर रहा हूँ, उसके सामने सड़क बनी हुई थी, सीवरेज का मसला हुआ, तकरीबन उन्होंने 50 मीटर के डिस्टेंस पे सड़क उखाड़ दी, वो 1-1.5 साल तक उखड़ी रही, लोगों को बहुत मुश्किल हुई, कारोबार खराब हुआ, इतनी मिट्टी उड़ती थी वहाँ पे सीवरेज के बाद। फिर उन्होंने एक कच्ची सी सड़क बनाई सीवरेज के लिए, फिर उखाड़ दी, अब वो फिर 1 साल को टूटी रही है सड़क, अब जाके वो पक्की की है जब इलेक्शन के दिन आ रहे हैं। सड़कें बनती हैं, कोई बात नहीं है, सड़कें बनानी चाहिए और सड़कें बनाना गवर्नमेंट का काम नहीं, इदारों का काम है। अच्छा, इनसे पूछते हैं ना, ये कैसे, क्या ऐसे इसको लॉजिक देते हैं जी? मेरे बड़े भाई हैं, बड़े अच्छे मौलवी साहब ने बात की, जो बिहारी चौक का इशू है ना, वो यहाँ पे MNA थे शबीर गुजर साहब, PTI यहाँ पे MPA साहब जो थे वो विन किया, उन्होंने शबीर गुजर साहब के बैनर लग गए, सड़क नहीं बनी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जब कायद आए हैं उन्होंने
अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, यानी आपने अब गेंद अपने कोर्ट से निकाल के पीटीआई के कोर्ट में डाल दी है कि वो कर रहे हैं? काम यहाँ पे किया ही नहीं, उन्होंने नहीं काम किया, काम नून लीग वालों ने किया है। फ्लैक्स वहाँ पे वो फ्लैक्सों का गैर है जो भाई ये कह रहे हैं ना कि काम नून लीग वालों ने इधर करवाए, जो ये कह रहे हैं ना कि एक सड़क पहले बनी थी उसे टूट के दोबारा, ये नहीं हुआ। पाकिस्तान की बदनसीबी ये है कि ये चल रहा है, कभी पीटीआई के नाम पे, कभी नून लीग के नाम पे, कभी पीपल्स पार्टी के नाम पे। जितने अच्छे अच्छे काम है कि ये कहने की कोशिश करते हैं किसी दूसरी जमात ने किया हो तो उसका सेहरा अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं और गंदे गंदे काम दूसरी पार्टी पे कर लेते हैं। जब इन्होंने हुकूमतें करनी होती हैं, तो वो लोग जो इनको हुकूमत में लाते हैं तब वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। गवर्नमेंट ने शेड्यूल दिया है, अगर उस पे उस शेड्यूल के मुताबिक अगर गैस नहीं ना आ रहा होगा तो जो चोर की सजा हमारी सजा। खुद ही कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो गैस है जो पूरे शहर में एक लोड शेडिंग का शेड्यूल है उस शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग हो रही है। आप मेरी एक बात का जवाब दें, क्या गैस 24 घंटे ही नहीं आती या आती है किसी शेड्यूल के मुताबिक? सर मैं यही तो बता रहा हूँ, बड़े मोहब्बत से मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा पॉइंट तो सिर्फ यही है भाई, जिन 35 साल हुकूमत के बावजूद भी आपको लाहौर में गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल देना पड़ता है, 35 साल हुकूमत, तो बजट आप हुकूमत में ना, 35 साल से आप हुकूमत में, हम हुकूमत में थोड़ी हैं, आप स्टेट थे, हम स्टेट थोड़ी हैं। 35 साल बाद हम आपसे पूछ रहे हैं कि गैस क्यों नहीं है? साहब कितनी दफा वज़ीर-ए-आज़म बने, तीन दफा मियां साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे, चौथी बार की कह रहे हैं आप लोग की तैयारी है तो बताएंगे। 35 साल में लोग कह रहे हैं कि लाहौर शहर के हल्के में अगर गैस नहीं आ रही, करते हैं बात, आप इस तरफ आ जाए, आपसे बात करते हैं जी। बोले आपने मियां साहब को कहा कि बत्ती का मसला हल करें, ये यूनिट को आके बात करें, इधर आ जाए बस, ठीक है। मेरे नहीं बताएं क्या आपका मसला क्या है? मसला ये है कि बत्ती इतनी महंगी की हुई है, जो छोटे छोटे लोगों के यूनिट थे वो भी बंद हो गए हैं, लोग जो थोड़े छोटे से मतलब कहने का वो सारा मामला खत्म हो गया, कम से कम बत्ती तो खुदा के वास्ता रियायत करो। नहीं लोड शेडिंग अब तो नहीं हो रही, क्या हो रही है? नहीं यूनिट महंगा किया हुआ है यार, यूनिट इतना कैसे? तो आप किसको वोट देंगे, किससे आपको तवक्को है कि यूनिट सस्ता करेगा? यह है कि हम मुस्लिम लीग के हैं शुरू से लेकर आज दिन तक है, लेकिन हमें लोगों से जूतियां तो ना मरवाएं, इस इलाके में वोट लेने आते हैं वो लोग ये कहते हैं कि आप अपने लीडरों को कहो कि ये बत्ती का तो मसला हल करें कम से कम।